हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल क्वेरी क्यू को लेकर के बनाया हूं। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एक स्टूडेंट का सवाल है कि कुछ क्वेरी ऐसी बनानी है, जो क्वेरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझिए इस क्वेरी को कैसे बनाना है। सबसे पहले तो यहाँ से हम चलते हैं ब्लैंक डेटाबेस पर। जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे तो यहाँ क्रिएट आएगा, आप चाहे तो डेटाबेस का नाम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि हम नाम चेंज नहीं करना चाहते और इसको क्लोज भी कर देता हूँ। और क्रिएट पे चलते हैं, यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाना है, तो ये आ गया क्वेरी डिजाइन पर और इसको क्लोज भी कर देना है। ठीक है, यहाँ से एसक्यूएल पे ले सकते हैं आप इसको, ये एसक्यूएल पे हमने ले लिया। ठीक है, अब एसक्यूएल पर ले लेने के बाद हमें क्या करना है। ठीक है, जैसे ही हम एसक्यूएल पे लेते हैं तो पहली क्वेरी हमें बनानी है। और क्वेरी में इन्होंने क्या कहा है, क्वेरी में इन्होंने कहा है कि स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट का नेम हमें लेना है। देखिए, स्टूडेंट की आईडी और नेम दोनों ही आप ले सकते हैं और ये चीजें मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। सबसे पहले आपको यहां पर टाइप करना है स्टूडेंट आईडी, क्या टाइप करना है, स्टूडेंट आईडी। और स्टूडेंट आईडी भी टाइप करने के पहले आपको यहां पर, चूंकि टेबल आपको बनानी है ना, तो यहां पर टेबल बनाने के लिए सबसे पहले यह टाइप करना होगा क्रिएट टेबल। जैसे ये क्रिएट टेबल आप टाइप करेंगे तो क्रिएट टेबल में टेबल का नाम देना होगा। ठीक है, तो मैं यहां दे देता हूं क्लास, टेबल का नाम है क्लास। ओके, और यहां ब्रैकेट को ओपन करना है और एंटर कर देते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट की आईडी में हमें देना है कि स्टूडेंट की आईडी किस टाइप की होगी, तो हम यहां पर लगा देते हैं टेक्स्ट। ठीक है, कौन सा डेटा टाइप यूज किया मैंने, यहां पर टेक्स्ट यूज किया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एंटर प्रेस किया। जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो यहां पर दूसरा फील्ड हमें क्या लेना है, ठीक है, दूसरा फील्ड जो इन्होंने बोला है लेने के लिए वो है नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यानी स्टूडेंट का नेम, केवल नेम दिया गया है, तो मैं यहाँ पे केवल नेम लिख देता हूं। अब आप जरा सोचिए, केवल अगर नेम लिखता हूं तो डेटा टाइप क्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल, टेक्स्ट भी हो सकता है और वेयर कैर भी आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ वेयर कैर अगर रखते हैं तो आपको साइज डिसाइड करनी होगी, तो यहाँ पे मैं 10 रख देता हूँ, साइज कम हो गया। ये एक ही क्वेरी है, अब ये क्वेरी हमारी बन जाएगी। कब बन जाएगी, जब यहाँ रन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए सिंटैक्स एरर क्यों कह रहा है, ये यहाँ पे स्टूडेंट और आईडी के बीच में हमने क्या नहीं दिया, हमने अंडरस्कोर नहीं दिया। ठीक है, लगभग हर वीडियो में मैं बताता हूँ एसक्यूएल की, हर वीडियो में अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से रिलेटेड है तो हर वीडियो में बताता हूँ कि अंडरस्कोर जरूर दीजिए। अब यही क्वेरी आपकी रन हो गई, देखिए ये रन हो गया। अब यहाँ पर इनको जैसे मान लीजिए क्या देना है, जैसे मान लीजिए देना है इनको V001, इस तरीके से इनको लिखना है, तो ये लिख लिया। ठीक है, अब फिर यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक नाम जोड़ देता हूँ राम, ये लगा दिया। फिर यहाँ पे करेंगे V002, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ नाम कर देंगे श्याम। ठीक है, इसी तरीके से आप करते चले जाएंगे। ठीक है, आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको। आगे क्या करना है, आगे इसी में एक और चीज हमें करना है, और वो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें हमें वो स्टूडेंट चाहिए जिसकी स्टूडेंट आईडी 2 हो, इसके लिए एक सब क्वेरी डिजाइन करिए। तो सब क्वेरी डिजाइन करने के लिए फिर कहाँ जाना होगा, जी हाँ, क्रिएट पे जाना होगा और यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाना होगा। ठीक है, अब क्वेरी डिजाइन पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है एसक्यूएल 365 है, तो एसक्यूएल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से नजर आएगा। अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करना है, तो यहाँ लिखिए सेलेक्ट कुछ इस तरीके से, और जैसे ही आप सेलेक्ट लिखेंगे तो यहाँ एक लगा दीजिए स्टार। ठीक है, ये स्टार लगाना जरूरी है, ये लगा दीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही स्टार लगाते हैं तो स्टार लगाने के बाद एंटर करके नीचे आइए। अब बताइए जरा कि ये कहां से चाहिए, तो मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम, कहां से, कौन सी टेबल से, तो क्लास नाम की जो टेबल है वहीं से हमें ये चाहिए। ठीक है, तो ये क्लास कर दिया हमने, और ये ध्यान देना है कि क्लास किस तरीके से लिखा गया है, तो यहाँ पे सी कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है, इस तरीके से यह लिखा गया है। तो क्लास नाम की टेबल से चाहिए, और इसके बाद क्या करना है, जहां पर स्टूडेंट आईडी, वेयर, यहां पे कर देता हूं। तो देखिए यहां पर हमने क्या दिया है, स्टूडेंट आईडी दिया है। ठीक है, तो वेयर स्टूडेंट आईडी, यहां पे लिख देंगे स्टूडेंट और फिर लिखेंगे आईडी, अंडरस्कोर लगा के आईडी, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं यहां पे जब जाएंगे तो ये अंडरस्कोर यहां भी लगा हुआ है, तो हमें यहां पर भी अंडरस्कोर लगाना है। तो वेयर स्टूडेंट आईडी क्या हो, यहां पे लिख देता हूं V1, एक बार चेक कर लेते हैं क्या है, तो हमें ये वाली स्टूडेंट आईडी चाहिए 002 वाली, तो V002 कर देता हूँ। इज इक्वल टू लगाना भूल जाते हैं, तो ये इज इक्वल टू जरूर लगाइएगा, और इसको रखिएगा आप किसमें, सिंगल कोटेड कॉमा में। ठीक है, ये सारी बातें बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि
जब क्वेश्चन आता है, जब पूछा जाता है, तब दिक्कत होती है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिएगा आप, ठीक है। सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ से आप इसको सेव कर लीजिए। ये क्वेरी टू है, ये क्वेरी वन है। तो ये क्वेरी टू को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहाँ केवल और केवल श्याम की डिटेल नजर आएगी। आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको कि क्वेरी के अंदर क्वेरी यानी कि सब क्वेरी कैसे बनानी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सब क्वेरी वाली, तो आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको कुछ सीखना हो डेटाबेस में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी मैंने दे दिया है, तो आप मोबाइल नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि क्वेरीज बहुत सारी होती हैं और सॉल्व मुझे ही करना है, तो लेकिन जवाब देता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।